मैंने परचेज किए हैं बोट के एयरबर्ड, ये देख सकते हैं ये इसका बॉक्स है। इनको मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था और इनको मैंने 2-3 दिन यूज भी किया है। और चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू। मुझे ये एयरबर्ड बहुत ही अच्छे लगे, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी कमी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, ये वीडियो स्पॉन्सर बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये है इसका डब्बा बॉक्स, बहुत ही प्यारा देखने में लग रहा है। इसको हम करते हैं ओपन, और ये है इसको यहां से ओपन करते हैं, ये देखिए। और इसके बाद इसे खोलेंगे और इसके बाद हमें एक और बॉक्स मिलता है बॉक्स के अंदर, और ये है हमारे ईयरबड। और इसको थोड़ी देर में खोलते हैं। इसमें आपको मिल जाती है एक डाटा केबल जो कि टाइप सी प्रकार की है, आप देख सकते हैं ये डाटा केबल टाइप सी। इसको आप कनेक्ट चार्जर से कनेक्ट करके इस चार्जिंग केस को चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ये एक स्टिकर मिल जाता है बोट का, कहीं भी चिपका सकते हैं इसे, और क्या चिपकाने के लिए। इसके बाद ये आपका यूजर मैनुअल है कैसे इसको यूज करना है, ये सब तरीके। और आप देखेंगे ये एक मैनुअल निकलता है। इसके बाद ये है ये प्रचार, यानी कि ये जो इसके बारे में इन लोगों ने बहुत सारा ऐड किया हुआ है, ऐड वाला है ये। और इसके बाद पेपर इसमें बहुत सारे हैं। और इसके बाद ये कोई अगर इसमें दिक्कत होती है, यानी फेक कार्ड है ये, इसमें इसका मैनुअल सॉल्यूशन ये दिया गया है। और ये 1 ईयर वारंटी कार्ड है, आप देख सकते हैं 1 ईयर का। और इसके बाद उपयोग करने से पहले मुझे पढ़ें, ये पढ़ सकते हैं आप उपयोग के बाद, तो इतने आपके कार्ड निकलते हैं। इसके बाद ये है आपका चार्जिंग केस, इसमें बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपकी जो यहाँ से लाइट दिखाई देगी कि कितना केस चार्ज है कितना नहीं है। इसमें आप देखेंगे ये ईयरबड हमारे रखे हुए हैं, और इसमें रखते ही ये चार्ज होने लगते हैं। इसमें नीचे ये चार्ज करने के लिए डाटा केबल लगाने के टाइप सी ये चार्जिंग केस, इसको चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक कमी और मुझे दिखाई देती है, इसका जो चार्जिंग केस है इसमें ये प्लास्टिक जो है बहुत चमकीली ज्यादा है। स्वाभाविक सी बात है, अगर चमकीली होगी तो इसमें स्केच भी जल्दी दिखेंगे। बाकी सब ये बहुत अच्छा है, आप इसको कैरी भी कर सकते हैं, बहुत ही आराम से आप पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं। और बहुत छोटे से ईयरबड हैं, बहुत ही अच्छे, और इसमें बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा रहता है। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से बहुत ही सस्ते ऑफर प्राइस में इसको खरीदा है, इसकी कीमत मात्र 750 रुपये बस है। इस समय ऑफर जो चल रहा है 750 रुपये में, और जबकि इसमें जो बॉक्स पर कीमत लिखी हुई है वो कुछ अधिक है। तो आप देख सकते हैं ये ईयरबड मैंने लगाए हुए हैं और बहुत ही कंफर्टेबल है। ये देखिए इस तरीके से भी गिरते नहीं है, आप पैसे ऐसे कर सकते हैं, यानी कि ये बहुत ही कंफर्टेबल है। बस मुझे इनमें एक बहुत ही छोटी सी कमी दिखाई दी है, ये जो इसमें जो दिखा रहा है यहाँ पे, इसमें बहुत ही छोटी सी कपड़ा जैसा लगा दिया है, जबकि इसमें जो है एक स्टील की जाली भी हो सकती थी। और दूसरा इसमें यहाँ पे जो प्लास्टिक लगाई है, ये प्लास्टिक की जगह पे अगर रबड़ वाला ईयरबड होता तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होता। इसको आप ज्यादा देर तक लगाएंगे तो आपके कान में ये पेन करने लगेगा, यानी ज्यादा देर 1-2 घंटे अगर यूज करते हैं तो आपके कान में दर्द होना स्वाभाविक है। बाकी सब इसमें बहुत अच्छा है, ये देखिए इसका कंफर्टेबल आपको जो है फील नहीं होगा। इसकी आवाज बेस इतना अच्छा है, मैं आपको सुनाता हूं, ये देखिए इसकी आवाज बहुत ही प्यारी है, और जो है बेस भी थोड़ा है लेकिन कम है, लेकिन पर्याप्त है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पर पहली बार आए, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही लेटेस्ट
जानकारी पाने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।